अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक ये हालत तो बहुत खराब है, एक का बजना मुश्किल है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। मैं करोड़पति बन गई। देख देख मैं करोड़पति बन गई। देख देखो 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 करोड़पति बन गई मैं। त्रिपाठियों की हुई दुर्गति, मेनका बनी करोड़पति। अंकल ये देख अंकल, तेरी मेहनत की कमाई अब मेरी हुई और इस पैसों से मैं वो याशी करूंगी ना कि तेरे पुरखों की आत्मा भी रोएगी। और बुड्ढी तू, आज पहली बार मुझे तेरी शक्ल खटक नहीं रही। ले आखिरी बार तू भी दर्शन कर ले। अरे ले, वैसे मैं क्या कहती हूँ, दिल का दौरा वौरा पड़ के ना तू भी लुढ़क जा, मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। अच्छा चल ठीक, नहीं मारती मैं, बस खुश। करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों का ये घर, सब कुछ मेरा हुआ। अब एक करोड़ों की बात बोलो, निकल जाओ मेरे घर से। अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है, हमारे परिवार से तमीज से पेश आओ। अरे चुप, मैं करोड़पति हूं और तुम सब लोग भिखारी। तुम लोगों के आगे मैं बोलू भी क्यों? हाँ मार डालो सबको। माफी मांग रहे, प्लीज प्लीज उनको बोलो बंदूक नीचे करे। धमकी देने की औकात ना हो ना तो धमकी अपने जेब में रखा कर, समझा? वैसे राणा, मुझे ना तुझ पे बहुत तरस आ रहा है, ये सोच सोच करके तू इन सारे भिखारियों को कहां लेके जाएगा? चलो अच्छा हुआ, मीठी तो मर गई, एक जगह तो कम हो ही गई। माँ साहेब, सुमन, बच्चों सब लोग अपना सामान पैक कर लो। त्रिपाठियों की हुई दुर्गति, मेनका बनी करोड़पति। भगवान सबको दे, भर भर के दे।
लेकिन ऐसा दुख किसी को ना दे। मेनका, अभी तो मैं जा रही हूं ताकि इन लोगों को मुझ पर शक ना हो, लेकिन अपना हिस्सा लेने जरूर आऊंगी और लच्छू के पापा और दीपक को भी हिस्सा देना होगा। मिल जाएगा। क्या है इसमें? पुरखों की जगह मौत के कगार पे खड़ी है बुढ़िया, लेकिन जेवर रखने का शौक जिंदा है तेरा। नहीं, इसमें पुरखों की यादें, मान सम्मान इज्जत बोर मत कर। चल तिजोरी मुझे दे। नहीं, मैं कहा ना दे। नहीं छोड़। नहीं, मैंने कहा ना तिजोरी मुझे दे। नहीं, आपको चोट लग जाएगी। नहीं, मेनका छोड़, मेनका छोड़ो। अम्मा, हाँ साहेब। अम्मा, हे भोलेनाथ। एमएस अकेले बोलो ना, प्लीज उठो ना। हे भगवान, देखो क्या हो गया माँ साहब को। अम्मा, अम्मा। मेनका, हमने कहा था ना हमारा सफर खत्म हो रहा है, हो गया। छोड़ो अम्मा। राणा, अम्मा का बहुत खून बह गया है, जल्दी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी आ। छोड़ उसे। हेलो डॉक्टर साहब, माँ साहब को गहरी चोट आई है, हम अभी माँ साहब को हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। राणा मदद कर बेटी। के? कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोगों ने बाहर जाके अगर मुझे अरेस्ट करवा दिया तो मीन का तेरा दिल है या पत्थर? माँ साहब की हालत तो देख। मेनका, मेनका अगर अम्मा को कुछ हो गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तो इलाज करने से किसने मना किया? करो ना, लेकिन इसी घर में। पापा, आप प्लीज डॉक्टर अंकल को कॉल करके पूछिए अब क्या करें। हे, फोन कोई तब तक नहीं लगाएगा जब तक तिजोरी का पासवर्ड मेरे पास नहीं आ जाता। मेन का पासवर्ड सिर्फ अम्मा को पता है, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारे हाथ कहने नहीं लगेंगे। रे, तो पहले बताना चाहिए ना ये सब। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलवाओ अभी। शुक्र है तुझे होश आ गया, लेकिन बेटी तू यहाँ तक कैसे पहुंची? लगा कर रहेंगे।
आप सब हमें जानते नहीं है, फिर भी हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे काली माँ ने बचाया है और यही काली माँ तेरे उलझन को सुलझाएगी। राणा तो हमारे हर सवाल का जवाब थी माँ, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सवाल कैसे बन गए? आप बस हमें भर भर के आशीर्वाद दीजिए, जवाब हम ढूंढ लेंगे। आ रहे हैं राणा, आपको जवाब देना होगा, आखिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? हमें माफ कर दो यार कच्चू। राणा, उनका इंतजाम हो गया। कौन है वो? हम मिलना चाहते हैं, हम हैंक को बोलेंगे। को कुछ नहीं होगा राणा, हमें आपसे जानना है कि हमारे साथ जो हुआ क्यों हुआ। आपके खजूर ने आप पे आंखें बंद करके विश्वास किया था, मालती आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगी। आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा था राणा, इस बार सिंदूर की कीमत आप चुकाएंगे। इनका यहाँ क्या कर रही है? सवाल गहरे होते जा रहे हैं गंगा मैया। तुम? Hi, I'm Malti from London. Hello. आपके हाउस में कोई What's the word? बेईमान? बेईमान है क्या? बेईमान नहीं बेटा, बीमार है। Right. राइट, हमारी अम्मा राणा, जया बहन और मैं अम्मा के बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने सुन लिया और हमारी मदद करने चली आई। न जान न पहचान, ये बताएगी बुढ़िया की जान? कोई भी होशियारी की ना तुम अम्मा की एक बार जान बचाने दो, फिर धमकियां देती रहना। तुम हम सबको बाहर नहीं जाने दोगी तो मदद के लिए किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। हेलो, नानी कहाँ है? इन्होंने उन्हें अम्मा कहकर बुलाया तो आई थॉट नानी होंगी। हमें इन्हें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा।
आप तो ऐसे इमोशनल हो रही हैं जैसे ये आप ही की नानी हो। किसी भी बीमार ओल्ड लेडी को देखकर कभी इस हालत में बुरा तो लगेगा ही ना, पर तुम्हारी शक्ल पर तो इनके लिए जरा से भी फिक्र नहीं नजर आ रही। तुम इस परिवार की तो नहीं लगती। Who are you? इस मालती को मुझ पे शक हो गया तो पुलिस बुला सकती है। मेरा नाम मेनका है। आपने सही कहा, मैं इस फैमिली की मेंबर नहीं लेकिन होने वाली हूं। मेरी इनसे शादी होने वाली है। नहीं, राणा मेनका से शादी नहीं कर सकते। पर दो दिन पहले तक हमें ये लगता था कि राणा हमें भी कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। बिना सबूत के ना तो हम किसी की बात मानेंगे और ना ही रिएक्ट करेंगे। मैम, खून देने का प्रोसेस शुरू करें। अच्छा, मैं चलता हूं, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मालती बेटा, बेटा हम तो नाउम्मीद हो चुके थे, तुम हमारे लिए आशा की किरण बन के आए। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। अब आप जाइए। राइट। हम यहाँ सबके साथ रह के सच तक पहुंच सकते हैं गंगा मैया, प्लीज हमारे यहाँ रुकने का कोई तो रास्ता निकालिए। मालती बेटा, मालती बेटा, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू। आप लंदन से है ना, तो यहाँ कैसे आना हुआ? कौनो काम के लिए आई रही है बिटिया? हम सच के लिए आए थे। हमें अपने डैड को प्रूव करना था कि गर्ल्स भी बॉयज की तरह अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकती है, और यहाँ आसानी से समीर आसानी से बिका जाता है ना। So, I think, यही बोलते हैं ना लैंड को हिंदी में? नहीं, उसे जमीन कहते हैं। Right. उसी जमीन को खरीद कर हम उस पर सिटी का सबसे बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं। वेरी नाइस, आइडिया बहुत अच्छा है। पर आप रुके कहाँ पे हो? Of course, in a 5-star. उसके बिना तो कहीं पे भी कंफर्टेबल नहीं लगता। ये तो रईस घर की लगती है। मेहमान नवाजी हम भी बुरी नहीं करते हैं बेटा। आपने हमारी अम्मा की जान बचाई है, कुछ दिन हमारे साथ रुक जाइए। थैंक यू माँ, यही तो हम चाहते थे। आपकी हैप्पीनेस के लिए हम यहाँ जरूर रुकेंगे। थैंक यू। अभी तो आप कह रही थी कि 5-star होटल के अलावा आप कहीं और रुकती नहीं है। एक मिनट में पलट गई दुनिया, एक सेकंड में पलट जाती है मिस मेनका, और एक मिनट में तो फिर भी 60 सेकंड्स होते हैं। हम अभी आते हैं। हिम्मत कैसे हुई बोलने की हम तुमसे ब्याह करेंगे? झूठ भले ही हमारे साथ नहीं है, पर वो हमेशा हमारी पत्नी रहेगी। ऐसा मत कहो राणा, प्लीज मुझसे शादी कर लो।
अबे जा, तू कहीं का रूप कुंवर है क्या? मैंने ये झूठ बोला ताकि वो मालती मुझसे बार बार ना पूछे कि मैं कौन हूं। एक बार, बस एक बार वो बुढ़ी को ठीक होने दे, उससे तिजोरी का कोड निकलवा लूं, उसके बाद तुम सबको घर से बाहर कर दूंगी। लेकिन तब तक ये ड्रामा चलने दे। अगर अपने परिवार की जिंदगी चाहता है तो लेकिन तब तक होने वाले पति पत्नी होने का नाटक तो कर ले। घर में हमारी एंट्री तो हो गई, हमें पता लगाना है कि राणा ने हमें मारने की कोशिश क्यों की। क्या सचमुच राणा मेनका से शादी? ये कमजोर पड़ने का नहीं, अपने सवालों का जवाब ढूंढने का वक्त है। मीठी हर हर कंगी, सचमुच राणा मेनका से शादी करने वाले हैं? दोबारा अगर तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत भी की ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हमारी दोनों माओं की आंखों में आंसू है कक्का भैया, पर हमारी मजबूरी देखिए ना, हम हाथ बढ़ाकर इनके आंसू को पोंछ सकते हैं और ना ही इनके साथ आंसू बहा सकते हैं, पर इनसे इनसे बात तो कर ही सकते हैं ना। मालती बेटा, आपको कुछ चाहिए? नो, वो ऊपर वाले रूम्स में बहुत बोर हो रहा था तो हमने सोचा कि आपसे आकर बात कर ले। कुछ पूछ सकते हैं आपसे? ओ, आप सब लोग इतने घबराए हुए क्यों होते हैं? एकदम सैड सैड। Any problem? Never mind. Hey, who's she? ये picture किसकी है? ये हमारी बेटी है, हमारी गुड़िया रानी, पर हम इस दुनिया में नहीं है। So sorry, very sorry. इनके साथ हुआ क्या था? मानती बेटा, मैं आपको सब बताती हूँ। जी जी। आप अकेले काम करके थक गए हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। चलिए ना, आइए, चलिए मेरे साथ। जी जी, क्या कर रही थी आप? इस मालती को मेनका की सारी बातें बता रही थी क्या? देखकर मेनका को पता चला ना तो गुस्से में पता नहीं क्या कर देगी वो। जी, ऊपर से माँ साहब की तबीयत कितनी खराब है, थोड़े दिन रुक जाइए। मामी माँ को क्या बता रही है? शुक्र है मैंने इन्हें सही टाइम पे आके रोक लिया। चले जी जी। जया बहन, आप भी आ जाइए ना, थोड़ी मदद हो जाएगी।
आइए। मामी के आने से पहले मां मैं कुछ बताने वाली थी, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। शायद हमें राणा के कमरे से कोई सुराग मिल पाए। गंगा मैया, राणा ने रातों रात हमारी तस्वीरें भी हटा दी। अब सारे राज पर से पर्दा उठा कर रहेंगे। हम आ चुके हैं राणा, हम आ चुके हैं आपसे ये पूछने के लिए। हमने तो आपसे टूट कर प्यार किया, आपने हमसे इतनी नफरत क्यों की? छोड़ने के लिए सबने अपना सामान बांध लिया है यार कछु। हमारा सबसे जरूरी सबसे कीमती सामान तो तुम्हारी यादें हैं यार। इसको तो बांधना ही था। तुम थी तो हम थे। वापस आ जाओ यार। लीज, लीज वापस आ जाओ। सिंदूर की कीमत 2 सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।